आज के वीडियो में हम द्रव्यमान और भार दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं द्रव्यमान क्या है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है, कुछ भी हो, शरीर हो या फिर कुछ भी जिसमें जो लिविंग थिंग ना हो, जो सांस ना ले पाती हो या फिर कुछ ऐसी कुछ भी हो सकता, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी मान सकते हैं। बॉडी भी हमारा शरीर है, वो तो सांस लेता ही है। सब कुछ जो है ना, किससे बना है? छोटे 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 पार्टिकल्स बोल लो या फिर कण बोल लो, मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। इन्हीं सब से मिल के बना है कुछ भी हमारा शरीर से लेके दुनिया में जो भी चीज़ है, इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है मिल के। ठीक है, तो बस द्रव्यमान इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर कण होंगे ना, उतना ही ये मतलब वजन के ऊपर नहीं है, लेकिन सब बना है नहीं से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जितना ये है ना, कोई भी बॉडी है, कितने संख्याओं के मॉलिक्यूल्स या फिर कण हैं किसी बॉडी में, वो बॉडी उतनी बड़ी हो सकती है, वो बॉडी इतनी मोटी हो सकती है या फिर किसी भी आकार की हो सकती है। जैसे इंसानी शरीर जो हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ हैवी लोग होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें ज़्यादा होंगे। कुछ बड़ा कोई मशीन बना रहे हैं आप, कुछ ट्रक है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियस है ज़्यादा, क्योंकि बड़ी बॉडी है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ही खेल होता है द्रव्यमान में, अंदर ही होती है लेकिन ये किसी को दिखती नहीं है। आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद आपको दिख जाएंगी, लेकिन नंगी आंखों से ये आपको नहीं दिख सकती। द्रव्यमान इन्हीं पर डिपेंड करता है, यही होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप द्रव्यमान बोल सकते हैं। एक सीधी भाषा में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को द्रव्यमान बोल सकते हैं। अब रही बात वज़न क्या होता है, कोई भी बॉडी है, जैसे ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से ही मिलकर बनाए, सब कुछ इसमें है, मतलब सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं ये किसी वज़न पर डिपेंड नहीं करता, ये खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये बार बार नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अब इसमें मॉलिक्यूल्स जो थे वो किसी चीज़ की तरफ खींच रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रेविटी। ये बार बार ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ना, इनकी वजह से इनमें कुछ वज़न डेवलप हुआ है, और जो किसी वेट डेवलप हुआ है, और जो किसी यहाँ पे, चाहे अर्थ पे बोल लें, चाहे फिर कहीं आप मून पे चले जाओ या फिर अर्थ से कहीं बाहर चले जाओ, तो फिर वो वहाँ पे ग्रेविटी अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे अभी यहाँ पे ज़मीन पर ग्रेविटी आपकी 9.81 चलती है, इसलिए आपको नीचे जा रहा, लेकिन जैसे आप अर्थ को छोड़ते हैं तो ग्रेविटी उल्टा काम करती है, कि ऊपर की तरफ भागेगा, हवा में फ्लोट करेगा, तैरेगा। लेकिन आप इस टाइम अर्थ पर हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो ये नीचे की तरफ भागता है वेट। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो वज़न जो है वो मास के बराबर तो है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्रव्यमान के बराबर, वज़न जो है द्रव्यमान के बराबर है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना वज़न हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या, ग्रेविटी बीच में आ जाती है। तो हम यहाँ पे जी लिख सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते वज़न जो है टोटल डब्ल्यू इंटू जी करेंगे तभी हमारा वज़न पता चल पाएगा, क्योंकि एम तो है और नीचे जाने के लिए जी भी चाहिए, तो जी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हो गया, यही आपका वेट हो गया। ठीक है, तो वज़न हो गया, ये तो आपका अर्थ पे आपका वज़न निकल आएगा, जी का वैल्यू 9.81 हो जाता है, लेकिन ये तो केवल अर्थ पे है। लेकिन कहीं आपने अर्थ को जैसे स्केप कर दिया, छोड़ दिया, कहीं आप कहीं अंतरिक्ष में हैं या फिर स्पेस में या फिर मून पर हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ही लाइट फील करेंगे। आप जो ऐसे हो रहा ना, फिर आप यूं फील करेंगे, बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा हल्का, वहाँ पे ग्रेविटी अलग तरीके से काम करती है। लेकिन अच्छा है कि हम ज़मीन पर हैं और आराम से चल फिर सकते हैं, तैर नहीं रहे, वरना बहुत दिक्कतें हो जाती। तो यही होता है वो कि
कहते हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास कहते हैं, और वजन को एम इंटू जी करेंगे तभी आपका वजन पता चलेगा, वरना वजन नहीं है किसी भी वस्तु में, वजन नहीं है। जब तक आप अर्थ पे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कहीं बाहर जाएंगे फिर वजन भी बदल जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा हमारा एम, जितने मॉलिक्यूल हमारे ज़मीन पर हैं उतने ही चाहे किसी भी कोने में चले जाओ, अर्थ के अर्थ से बाहर कहीं चले जाओ, ये कभी नहीं बदलने वाला। ग्रेविटी बदलेगी लेकिन ये मॉलिक्यूल कभी नहीं बदलेंगे, किसी भी बॉडी के जितने हैं उतने रहेंगे। जितनी बड़ी बॉडी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जितनी छोटी बॉडी उतने कम मॉलिक्यूल्स। लेकिन वज़न किस पर डिपेंड करता है, जी पर, जी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है वज़न। मॉलिक्यूल्स तो इंडिपेंडेंट हैं, मॉलिक्यूल किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वज़न को आपको नापना है तो जी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोई किसी चीज़ का वज़न नहीं तोला जा सकता, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको हमेशा मिल जाएंगे जो कभी नहीं बदलेंगे।